तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगी, हमसे छुपाओगी, चुप रहोगी, तो क्या हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? कहीं सबको पता तो नहीं चल गया कि अंकित और मैं एक साथ होने का, खुश होने का बस दिखावा कर रहे हैं? सॉरी बेबे, मैं बताना चाहती थी लेकिन मैंने अंकित को कहा भी था, लेकिन मगर को पता नहीं। जी, इन्होंने बोल दिया। घबरा मत, हम बस यूं ही तेरी टांग खींच रहे थे। अच्छा चल ये बता कि तूने अपने और अंगद की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी के लिए क्या प्लान किया? अपने एनिवर्सरी के प्लान छुपा रही हो ना हमसे? हाँ सलमान, पीपे, पापा, हम वीर और कीरत के व्याह पर ध्यान देते हैं ना, एनिवर्सरी का क्या है, हर साल आती है पर व्याह तो एक ही बार होता है ना। अच्छा बाबा घबरा मत, कुछ बड़ा नहीं करेंगे, ओके? लेकिन तुम लोगों की पहली एनिवर्सरी है भाई, तो आज रात एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों बेबे? बिल्कुल। वीतू भाई खड़ जाए। मुझे कह रहे? हाँ तुझसे कह रहा हूं, मेरी फियांसे के साथ तू क्या कर रहा था हैं? आप सबको एक फोटो भेजी है, देख लो सारे, जवाब दे, मेरी फियांसे के साथ तू क्या कर रहा था? हम लोग जॉगिंग करने सेम पार्क में जाते हैं, और जॉगिंग करने के बाद अगर हमने साथ में कुछ खा लिया, उसमें क्या गलत है भी? क्या गलत किया? नहीं, तू मेरी होने वाली बीवी के साथ बात ही क्यों कर रहा था? हमें पता नहीं है तेरी हिस्ट्री के बारे में। मेरा और कीरत का व्याह तोड़वाना चाहता है ना तू, वही करना चाहता है ना मेरे साथ जो तूने अंगद पाजी के साथ किया था, उनके व्याह में उनकी फियांसे को भगा के ले गया था, आज मेरे साथ भी यही करना चाहता है ना तू? तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम गैरी के साथ साथ कीरत पर भी इल्जाम। अगर तुम्हें वाकई कीरत से प्यार है ना, तो तुम्हें इस पर भरोसा भी होना चाहिए। सब ठीक कह रही है, कीरत एक अच्छी लड़की है, तुझे किसी भी वजह से उस पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच भरोसा है तो तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। चला तुझे? वो मैं इस पल में इतना खो गया था कि पता ही नहीं चला। ठीक हूं मैं, ऐसा लग रहा जैसे ये हाथ जिंदगी भर नहीं छोड़ोगी। तो मरने के बाद भी हाथ ना छोड़ो।